दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच में पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम में अचानक से कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये फाइनल मैच किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है, कोच राहुल द्रविड़ 2023 के वर्ल्ड कप में अपने नाम एक इतिहास लिखना चाहते हैं, और इसको लिखने के लिए इन्हें वर्ल्ड कप का खिताब हासिल करना होगा। साथ ही कप्तान रोहित शर्मा भी अपने आखिरी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप का खिताब जिताना चाहते हैं और अपने नाम का सिस्टम बनाना चाहते हैं। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय टीम के फाइनल मुकाबले में बड़ी पारी खेलनी होगी और वर्ल्ड कप का खिताब हासिल करके एक अलग ही रिकॉर्ड बनाना होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारतीय टीम अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप में जीता है, और ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी अभी तक 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी खतरनाक अंदाज से खेलती है। इसलिए कप्तान और कोच ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच हराने के लिए भारतीय टीम में एक कड़ी रणनीति रची है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे खिलाड़ियों को साफ साफ बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन खराब चल रहा है, और ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनका प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने सूर्य कुमार यादव को लेकर दिया बड़ा बयान। आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या बयान दिया है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच पर भारत ने बहुत ही शानदार जीत हासिल किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शानदार शतक जड़ दिया था, और इस शतक से भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटने के बाद सचिन सर ने विराट कोहली और भारतीय टीम को लेकर दिया बड़ा बयान। तो बताएंगे खबर की पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप लोगों ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच तो देखा ही होगा, जिसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट गंवाकर मात्र 213 रन ही बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैच में 7 विकेट गंवाकर 215 रन आसानी से चेस कर लिए, यानी ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस शानदार जीत से फाइनल मैच पर अपना जगह बना लिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच को लेकर दिया बड़ा बयान। स्टीव स्मिथ ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय टीम ने अभी तक 10 मैच खेले हैं और 10वें मैच पर भी बहुत ही शानदार जीत हासिल किया है, और चाहे बात बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की हो, दोनों में ही बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे ज्यादा डर मोहम्मद शमी से लग रहा है। जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 7 विकेट चटकाए थे, यानी इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को होश उड़ाकर रख दिए थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा डर मोहम्मद शमी से लग रहा है। तो यार, अगर आप लोग दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी को मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार जीत हासिल की है, जहां आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रनों की शानदार शुरुआत दिलाई थी, साथ ही शुभमन गिल ने 80 रन बनाए थे। वहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, यानी कि दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी। विराट कोहली ने इस मैच पर 117 रन की लाजवाब पारी खेली थी। वहीं श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए थे। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल ने इस मैच पर 39 रन बनाए थे, यानी भारत इस मैच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 398 रन का टारगेट दिया था। वहीं जब न्यूजीलैंड टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 327 रनों पर ही न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो चुकी थी। आपको बता दें कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मैच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चलने का मौका ही नहीं दिया, जहां आपको बता दें कि बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट चटकाए थे। वहीं मोहम्मद शमी की बात की है तो मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ कर रख दिए थे, यानी मोहम्मद शमी ने भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल का मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाया है, उसको देखने के बाद भारतीय टीम के जितने भी फैंस है सब खुश हो चुके हैं। मोहम्मद शमी ने 57 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी किए थे, जिसके कारण भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार जीत मिला है। और आपको बता दें कि भारतीय टीम का अगला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको क्या लगता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा पाएगी या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को फाइनल मैच पर हराने के लिए भारतीय टीम ने कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है और कौन से खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है? लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या बयान दिया है। धोनी ने अपने बयान में कहा है कि सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम में क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने पिछले मुकाबलों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा है कि सूर्य कुमार यादव को फाइनल मैच में बाहर बिठा दिया जाना चाहिए और उनकी जगह या तो शार्दुल ठाकुर को या फिर ईशान किशन को मौका देना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव को भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच में बाहर बिठा दिया चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको बताते कि भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली
कोहली और भारतीय टीम को लेकर बड़ा बयान दिया था। तो उस बड़े बयान में सचिन तेंदुलकर ने अपने बयान में कहा है कि विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट में 50वां सेंचुरी जड़ चुके हैं और ओडीआई फॉर्मेट में विश्व के सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि किसी भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है और मैं विराट कोहली को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं देता हूँ कि विराट कोहली आगे चलकर और भी ज्यादा रिकॉर्ड बनाएंगे। और सचिन सर ने आगे अपने बयान में कहा है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होगा वो काफी ज्यादा टक्कर का मैच होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी इस मुकाबले में हार मंजूर नहीं करने वाली है और भारतीय टीम भी किसी भी हालत में ये मुकाबला जीतना चाहती है। तो सचिन सर ने कहा है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला दिखाई देने वाला है, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कि फाइनल मैच पर कैसे खेलना है। लेकिन भारतीय टीम ने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप पर जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया है, इसको देखने के बाद लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल मैच पर भारतीय टीम के सामने टिक नहीं पाएगी। तो मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बार भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर फाइनल मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ऑल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच पर कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है। हर बार की तरह ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ फिर से शुभम गिल दिखाई देने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं रोहित शर्मा बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, जहां 2023 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने अपने खतरनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचाकर रख दिया था। जहां आप लोगों ने भारत और न्यूजीलैंड का मैच तो देखा ही होगा, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 29 बॉलों पर 40 रनों की लाजवाब पारी खेली थी, जिसमें शानदार 4 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। यानी कि इस मैच पर शुरुआत में न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की बहुत ही ज्यादा पिटाई देखने को मिली। वहीं दूसरे नंबर पर शुभम गिल को लिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं शुभम गिल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, वह एक ऐसे खिलाड़ी है जो हर फॉर्मेट में रन बनाना जानते हैं, चाहे T20 हो या फिर टेस्ट मुकाबला हो। जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने 80 रन बनाए थे, जिसमें शानदार 8 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं इनके बाद तीसरे नंबर पर भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली को लिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं आपको बता दें कि विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 बॉलों पर 117 रन की लाजवाब पारी खेली थी, इसमें शानदार 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यानी विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस शतक से भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक बार फिर से सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। तो उसी नंबर पर फिर से किंग कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे। इनके बाद नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रेयस अय्यर भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। आप लोगों ने भारत और नेदरलैंड का मैच देखा होगा, जिसमें 128 रनों की लाजवाब पारी खेली थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेमीफाइनल मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 105 रन की लाजवाब पारी खेली थी, जिसमें शानदार 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यानी बैक टू बैक दोनों मैच पर शानदार सेंचुरी जड़ चुके हैं। इनके बाद 5वें नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल को लिया गया है। आपको बता दें कि केएल राहुल ने नेदरलैंड के खिलाफ 102 रन की लाजवाब पारी खेली थी और सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतना बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, जिसके कारण महज 39 रन ठोक दिए थे। और केएल राहुल अभी बहुत ही खतरनाक फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। इनके बाद 6वें नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं सूर्य कुमार यादव बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, अगर वो टिक जाते हैं तो रनों की बरसात कर देते हैं। वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो ग्राउंड के चारों ओर रन बनाने में माहिर है, चाहे आगे हो या पीछे हर तरफ के शॉट लगाना जानते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव का वर्ल्ड कप 2023 में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिख पाया है, जिसके कारण सूर्य कुमार यादव लगभग सारे मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं। लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव को फाइनल मैच खिलाया गया है, जहां सूर्य कुमार यादव फाइनल मैच पर अपना जलवा दिखा पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस मैच पर 7वें नंबर की बात करें तो भारतीय टीम में सिर्फ एक ऑलराउंडर को शामिल किया गया है, जहां दोस्तों जडेजा ही खेलते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जडेजा कितने खतरनाक बल्लेबाज है, जहां रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग और बैटिंग में नहीं तो फील्डिंग में काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों ही मुश्किल के जडेजा ने पकड़े हैं। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जडेजा कितने खतरनाक ऑलराउंडर है। तो जडेजा फाइनल मैच पर एक शानदार पारी खेलेंगे। तो आइए देखते हैं मैच पर 8वें नंबर की बात करें तो भारतीय टीम के खतरनाक स्पिन बॉलर कुलदीप यादव को लिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुलदीप यादव बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, जब ये बॉलिंग करते हैं तो कोई भी बल्लेबाज इतनी आसानी से खेल नहीं पाता है। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 56 रन देकर एक विकेट चटकाए थे। इनके बाद नंबर 9 पर खतरनाक बॉलर मोहम्मद शमी को लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मोहम्मद शमी ने 2023 के वर्ल्ड कप के मैचों पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कोहराम मचाकर रख दिया है, यानी उनके सामने कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने मात्र 27 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। यानी इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को होश उड़ाकर रख दिए थे और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और क्या फाइनल मैच पर भी मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से कहर बरसाएंगे? तो आइए देखते हैं मैच पर वो 10वें नंबर पर फिर से एक बार जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं जसप्रीत बुमराह एक बेहतरीन गेंदबाज है, वो जब बॉलिंग करते हैं तो कोई भी बल्लेबाज उतना आसानी से खेल नहीं पाता है।
खासकर उनके यॉर्कर बोन को। वही न्यूजीलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 64 रन देकर एक विकेट चटकाए थे, यानी इसमें बुमराह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो क्या फाइनल में जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कोहराम मचा पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वही दोस्तों बात करें इनके बाद 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मोहम्मद सिराज कितने खतरनाक गेंदबाज है और इन्होंने अपनी गेंदबाजी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने काफी शानदार विकेट चटकाए थे, तो इसीलिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इन पर फिर से भरोसा जताते हुए फाइनल में मौका दिया है। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। तो यार अगर आप भी भारतीय टीम को फाइनल मुकाबला जीतते हुए देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।